गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की, उमापति महादेव की, कृष्ण बलदेव की जय। श्री राम जय, श्री राम जय, जय श्री राम। उपस्थित भगवत प्रेमियों, हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें समय समय पर महर्षि द्वारा प्रेरित सत्संग विचार एवं भजन श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद सबसे श्रेष्ठ जो कार्य है ईश्वर को प्राप्त करना और ईश्वर की भक्ति करना। मनुष्य इसे अगर भूल जाता है तो उसका सारा जीवन, सारी उपलब्धियां व्यर्थ चली जाती हैं। महाराज श्री ने हमें ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके वो सुअवसर प्रदान किया है। अब हम महाराज श्री द्वारा बताए गए आज्ञाओं पर चलकर उनको प्रसन्नता प्रदान करें और अपने लक्ष्य तक पहुंचे, अपना शिष्य धर्म पूरा करें। जब जब इस संसार में पाप और अत्याचार बढ़ता है तो वो शक्ति मनुष्य का ही रूप धारण करके इस संसार में आती हैं, जिसके बारे में संत महापुरुषों ने कहा, जब जब होए धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं कि जब जब पाप अत्याचार बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, अनाचार बढ़ता है, तो वो ईश्वर शरीर रूप धारण करके विविध शरीरा अनेकों तरह के शरीर धारण करता है और शरीर धारण करके जनमानस की रक्षा करता है, रक्षा का दायित्व लेता है। भगवान राम इसी के निमित्त अवतार लिया भगवान ने, भगवान श्री कृष्ण और अन्य भगवान के जो अवतार हुए हैं उन्होंने इसी के निमित्त अवतार लिया और जनमानस की रक्षा की, अपना दायित्व पूरा किया। पर वह शक्ति जब इस संसार में आती है तो उसके कार्य करने की प्रणाली को सभी लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि वो इस तरह से कार्य करते हैं कि जनमानस का भला हो, जीव का कल्याण हो, सब तरफ सुख और शांति हो, और उसमें किस तरह से व्यवस्थाएं बनानी है इस विश्व की, इस समाज की, वो ईश्वर निर्धारित करता है। उसकी प्रणाली में जब हम सांसारिक बुद्धि या अपनी सामान्य सोच लगाते हैं तो हम भ्रमित हो जाते हैं। राम तो नित कृपा करते हैं, प्रभु तो नित कृपा करते हैं, पर उसको समझने के लिए श्रद्धा, विश्वास और समर्पण की आवश्यकता होती है। जिस भी मनुष्य में इनका अभाव होता है वो राम द्वारा किए गए कार्यों में ही प्रश्न चिन्ह उठा देते हैं, संशालु हो जाते हैं, दुविधा में पड़ जाते हैं। वो राम जब इस संसार में आते हैं
तो जब गुरु का रूप लेकर आते हैं, गुरु जब कार्य करते हैं तो एक सामान्य मनुष्य उन कार्यों को समझ नहीं पाता, क्योंकि उसका स्तर मानसिक है, मन के स्तर पर वो सोच रहा है और गुरु आत्मिक स्तर पर उसका भला चाहता है। तो आज हम भक्ति रचना के माध्यम से ये श्रवण करेंगे कि वो राम जब जब गुरु के रूप में अवतार लेते हैं तो वो हमारे जीवन में कैसे भला करते हैं हमारा, पर उस भले में हम अपना कल्याण ना चाहकर प्रश्न उठा लेते हैं, शंशालु हो जाते हैं और उससे जो ईश्वर की कृपा होती है उसे हम खो देते हैं। आइए संत समाज से हम आग्रह करना चाहेंगे एक भक्ति रचना का, वो हम सबके समक्ष उस भक्ति रचना का गान करें, महाराज श्री के चरणों में वो भक्ति रचना अर्पित करें। आइए श्रवण करते हैं। कोई समझे भक्त सुजान राम नित कृपा करते हैं, कोई समझे कोई समझे कोई समझे भक्त सुजान राम नित कृपा करते हैं, राम नित कृपा करते हैं। कभी कोमल हाथ प्रभु का, कभी बोझिल हाथ प्रभु का, कभी कोमल हाथ प्रभु का, कभी बोझिल हाथ प्रभु का, सब भांति करे कल्याण, सब भांति करे कल्याण, पग पग रक्षा करते हैं, राम नित कृपा करते हैं। इस भक्ति रचना में कोई समझे भक्त सुजान, भगवान की खोज में निकला होगा और भगवान को प्राप्त किया होगा, वो समझेगा कि राम नित कृपा करते हैं। योगानंद परमहंस जी के एक शिष्य जो डॉक्टर थे पेशे से, वी नॉट वाइट लुइस नाम था उनका, 1920 में ब्रह्म ज्ञान से दीक्षित हुए योगानंद परमहंस जी से। इससे पहले वो बहुत तार्किक बुद्धि वाले, हर बात में प्रश्न करने वाले होते थे और वो कहते हैं कि अमेरिका ने मुझे बहुत पद प्रतिष्ठा सम्मान गौरव दिया, मैं अमेरिका का धन्यवाद करता हूं, पर अमेरिका मुझे वो नहीं दे पाया जो मेरे जीवन का उद्देश्य था, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का साक्षात्कार, और वो मुझे प्राप्त हुआ भारत से और भारत में मेरे गुरु बने योगानंद परमहंस, उनसे मिलने के बाद मेरी यात्रा शुरू हुई आध्यात्मिक और उनके ज्ञान पर चलकर मेरी यात्रा संपन्न हुई। अपने जीवन का अनुभव साझा करते हुए डॉक्टर लुईस कहते हैं, जब मैं योगानंद परमहंस जी से ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा प्राप्त कर रहा था तो मेरे अंतर जगत में अथाह प्रकाश का पुंज प्रकट हो गया और उसने मेरे सारे संशय, मेरी बाधाओं को, मेरी बुद्धि को, मेरे प्रश्नों को संतुष्ट कर दिया, समाधान कर दिया, दूर कर दिया। उस दिन के बाद मैं सतत उनके बताए मार्ग पर चलने लगा, साधना करने लगा। थोड़ा समय बीता
थोड़े समय के बाद डॉक्टर लुईस बताते हैं कि मैं अपने पिता के पास गया। पिता के पास जाने के बाद डसबरी एक जगह है अमेरिका में, पायमाउथ खाड़ी है वहां पर, तो उनके मन में विचार आया कि मैं अपने पिता और अपने भाई के साथ क्यों ना थोड़ा सा नौका विहार करने चला जाऊं। तो उन्होंने एक छोटी सी नाव ली और उसमें वो उस खाड़ी में नौका विहार के लिए चल दिए। जैसे ही वो थोड़ी दूर गए, यात्रा तय की, अचानक तूफान आ गया। अब सभी लोग घबरा गए, अरे अभी तक तो धूप थी, मौसम बिल्कुल साफ था, अचानक ये बादल, काली घटाएं और तूफान। संकेत सभी प्रलय के थे, भयभीत हो गए तीनों लोग। अब कहते हैं ना, जब सुख होता है तो भगवान को भूल जाते हैं, गुरु को भूल जाता है व्यक्ति। जब दुख आता है तो भगवान की याद आती है, गुरु की याद आती है। तो उन्होंने देखा यहां कोई नहीं मेरी रक्षा करने वाला, मृत्यु सामने है। प्रार्थना निकली गुरु के चरणों में, हे गुरुदेव रक्षा करें। अब गुरुदेव बहुत दूर उनसे, शरीर से, पर शक्ति रूप में उनके समक्ष। उन्हीं लहरों ने जब विकराल रूप ले लिया कि बचने की संभावना बिल्कुल खत्म है, अब उन्हीं लहरों के बीच में एक प्रकाश का पुंज प्रकट हो जाता है और उसका आकार नेत्र के जैसा था, तीसरा नेत्र जैसा होता है। जैसे ही वो प्रकाश पुंज प्रकट हुआ, वो लहरें शांत हो गई और उन्हें तसल्ली मिली, उन्हें शांति मिली, उन्हें खुशी मिली कि अब हमारी रक्षा हो जाएगी। और थोड़ी देर के बाद उनकी नाव किनारे पर लग गई। अब उनकी सूचना पहुंची थी सारे नगर के लोगों के पास कि ऐसे ऐसे तूफान आ गया और आंधी और घटाएं छा गई हैं, और नाव लेकर तीन नाविक गए हुए हैं अंदर, उनका बचना तो असंभव है। वो सभी प्रतीक्षा कर रहे थे कि अभी उनकी लाशें बहकर आएंगी यहां पर जिसका गुरु सहाय है उसका बाल भी बाका कौन कर सकता है। नाव सहकुशल किनारे पर लगी और वो तीनों लोग नाव से उतरते हैं। नगर के लोग उन्हें बड़े प्रेम से ले जाते हैं। सभी आश्चर्यचकित हैं कि इतनी बड़ी लहरों में आपकी रक्षा कैसे हुई। उन्होंने सबको बताया। उनको घर पहुंचते पहुंचते डॉक्टर लुईस बताते हैं, मुझे रात्रि के 9 या 10 बज गए। जैसे ही मैं अपने घर में पहुंचा, फोन की बेल बजी। मैंने झट से फोन उठाया तो वहां से आवाज आई, डॉक्टर आज तुम भीगते भीगते बचे है ना। और मैं उस आवाज को झट से पहचान गया, वो मेरे गुरुदेव योगानंद परमहंस थे। और मैंने उन्हें धन्यवाद किया कि गुरुदेव आज आपने हमारे जीवन की रक्षा की। आशीर्वाद देते हुए फोन काट दिया गया। इस घटना के कुछ समय बाद डॉक्टर लुईस आश्रम जाते हैं। योगानंद परमहंस जी कहीं व्यस्त थे किसी कार्य में, तो वो वहां पर जो सिस्टर थे उनसे बात करने लगे डॉक्टर लुईस। तो वो अपना अनुभव साझा करते हुए डॉक्टर लुईस उन सिस्टर को बताते हैं, ये घटना ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ। तो वो सिस्टर कहते हैं, जिस दिन की आप ये बात कर रहे हैं उस दिन योगानंद परमहंस गुरुदेव इसी कक्ष में बैठकर एक पुस्तक पढ़ रहे थे मेरे सामने, और अचानक उन्होंने पुस्तक बंद की और वो खड़े हो गए और शून्य में देखते हुए कहा कि डॉक्टर बहुत कठिनाई में है, आज संकट में है वो।
और अचानक एक तरफ हाथ ऐसे फैलाते हुए शून्य में चले गए। उसी दिन तुम्हारी रक्षा के लिए वहां गुरु आए, तो गुरु के लिए शरीर समय की दूरी, शरीर की उपलब्धता, शरीर से उपलब्ध है कि नहीं गुरु, या समय कितना लगेगा, कितनी दूरी पर है गुरु, यह महत्व नहीं रखता। संसार के एक छोर से दूसरे छोर तक गुरु अपने शिष्य की रक्षा करने के लिए सामर्थ्यवान होता है। उसी किसे सहारे की आवश्यकता नहीं है, उसे किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सर्व समर्थ है। ये गुरु का कोमल हाथ। कृपाएं तो बहुत होती हैं मनुष्यों के जीवन में, पर डॉक्टर लुईस इसे समझ पाए। और कितने लोग होंगे जिनके जीवन में ऐसी कृपाएं हुई होंगी, ईश्वर ने उन पर कृपा की होगी, पर क्या वो आभार व्यक्त कर पाए ईश्वर का? नहीं। क्यों? क्योंकि वो समझ ही नहीं पाए कि रे राम की कृपा है। वो तो कह रहे इत्तफाक से शायद हमारी नाव समुद्र के किनारे आ गई। इत्तफाक से इस संसार में कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है राम की इच्छा से होता है, इत्तफाक से नहीं। तो जो श्रद्धावान हृदय होते हैं, समर्पणवान भक्त होते हैं, वो ईश्वर द्वारा की गई कृपा को संजे पाते हैं, समझ पाते हैं, उनका आभार व्यक्त कर पाते हैं, अन्यथा नहीं। अब ये कोमल हाथ गुरु का था, कैसे गुरु ने रक्षा कर दी? अगर गुरु वही, ज्ञान वही, शिष्य का समर्पण भाव वही, तो चमत्कार भी वही होंगे। सर्वश्री आशुतोष हमारे जीवन में आए हैं गुरुदेव, गुरु के रूप में, परम गुरु के रूप में, दयालु गुरु के रूप में, करुणा अवतार के रूप में। उनके भी बहुत सारे अनुभव हैं हमारे जीवन में, पर कहीं ना कहीं हम अपनी तार्किक बुद्धि लगा के और उसे इत्तफाक का नाम दे देते हैं। शायद इत्तफाक से ऐसा हो गया होगा, शायद मेरी बुद्धि से मैं बच गया होगा वहां पर, शायद मेरी समझदारी से मेरी रक्षा हो गई होगी वहां पर, शायद उस व्यक्ति की वजह से ऐसा हो गया होगा। पर व्यक्ति जब गुरु की आज्ञा से जुड़ जाता है तो वो आभार व्यक्त करता है। एक नहीं अनेकों अनुभव आप सबके जीवन के भी होंगे जो आप जी चुके हैं। आगे भक्ति रचना में कहा, कोमल हाथ प्रभु का, कभी बोझिल हाथ प्रभु का। जब गुरु जीवन में आता है, वो भगवान ही गुरु बनता है, और वो गुरु बन के आकर हमारे कर्म संस्कारों को छोटा करके काटता है। पर जब वो इन संस्कारों को काट रहा होता है तो हमारी बुद्धि बाधा डाल देती है उसमें, हमारा मैं भाव उसमें बाधा डालता है और गुरु को कार्य नहीं करने देता, और हम उस दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं जिससे गुरु हमें बचाना चाहता है। हमें लगता है हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, हम तो इतने समय से इस मार्ग पे चल रहे हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। हम उलाना देने लग जाते हैं गुरु को, हम कई दिनों तक आश्रम में नहीं आते, हम ध्यान साधना छोड़ देते हैं। क्यों? समर्पण भाव की कमी, श्रद्धा भाव की कमी, गुरु के प्रति विश्वास की कमी, ना शुक्रानापन आ जाता है बुद्धि आने की वजह से। तर्क बुद्धि, विवेक बुद्धि आए तो गुरु के प्रति समर्पण भाव जागे, पर तर्क बुद्धि आकर हम गुरु का शुक्राना नहीं कर पाते, उसकी कृतज्ञता प्रकट नहीं कर पाते उनकी कृपाओं के प्रति। इतिहास की एक घटना और फिर आकलन करेंगे वर्तमान की एक घटना से अपने जीवन का। महाअवतारी बाबा के समय की घटना, योगानंद परमहंस जी अपनी पुस्तक योगी कथा अमृत में लिखते हैं कि केवलानंद जी एक बार बता रहे थे उनके आंखों के सामने क्या गुरु का
लीला गुरु की कृपा को। केवलानंद जी कहते हैं, हम सब बैठे थे, रात्रि का समय था, होमाग्नि जल रही थी, बाबा अवतारी भी बैठे थे, सभी शिष्य चारों तरफ बैठे हैं अग्नि के। अचानक बाबा अवतारी जी ने एक जलती हुई लकड़ी निकाली अग्नि से और पास में बैठे अपने शिष्य के कंधे पर हल्का सा प्रहार किया उसका। पास में ही बैठे लाहड़ी महाशय जी ने कहा, गुरुदेव क्षमा करना, ये तो क्रूरता है। बाबा अवतारी कहते हैं, क्रूरता क्या, तुझे अच्छा तब लगेगा जब ये जलकर भस्म हो जाएगा। बोले, गुरुदेव मैं समझा नहीं। कहते, आज के दिन इसके प्रारब्ध का कर्म का फल इसके शरीर को जलाकर राख करने वाला था। गुरु के हल्के से इस अग्नि के ताप से वो कर्म संस्कार नष्ट हो गया है। सभी ने आभार व्यक्त किया, कृतज्ञता व्यक्त की, हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे महावतारी बाबा, हमें क्षमा कर देना, हमारी समझ ऐसी नहीं थी। तो गुरु के हल्के से प्रहार से जन्म बचा लिया मृत्यु की ग्रास में जाने से। पर उस समय लग रहा था आसपास के साधकों को, जो साथ में ही रहते हैं, कितने उच्च अवस्था वाले साधक भी, गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं ना, जब भगवान संसार में आता है शरीर लेकर, तो मुनियों की मति भी भ्रमित हो जाती है उसके कर्मों को देखकर। मुनि भी भ्रमित हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। लाहड़ी महाशय जैसी अवस्था वाले शिष्य भी कह रहे हैं, गुरु ये तो क्रूरता है। और उन्होंने गुरु के सामने व्यक्त किया इस बात को, इसलिए वो अपनी श्रद्धा को बचाए रख पाए। एक तो उन जैसी अवस्था नहीं, दूसरा गुरु के समक्ष कभी नहीं पूछते कि गुरुदेव क्षमा करना, ये आपकी क्रिया कार्यशैली हमारी समझ से परे थी, आप हमें बताने की कृपा करें, तो समझ पाते हैं। अगर दूर है गुरु, तो अंतर जगत में जाकर गुरुदेव से, गुरुदेव क्षमा करना, मैं इसे समझ नहीं पाया, आप मुझे बताएं, मेरा निवारण करें। गुरुदेव अंतर में प्रकट होकर बताएंगे। पर हमारे साथ क्या होता है, हम लोगों से उसे कहने लग जाते हैं, लोगों से उसे पूछने लग जाते हैं, क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं उस गुरु कृपा को, और फिर अपने भारी कर्म संस्कार बना लेते हैं। तो ये गुरु का बोझिल हाथ तो दिख रहा था, पर इसके पीछे, बोझिल हाथ के पीछे भी क्या कृपा छिपी थी, वो बताने के बाद पता लगी। तो ऐसी जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। हम अब वर्तमान में देखें, बहुत सारे ऐसे अनुभव भक्तों के जीवन में सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने दिए हैं, हम सबने भी जिए हैं, उन अनुभवों को जिया है, और हम सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं बहुत। यहां समय अवधि की सीमा के तहत संभव नहीं कि सारे अनुभव सुनाए जाएं या ज्यादा अनुभव सुनाए जाएं। एक जो अभी याद आ रहा है विशेष अनुभव, वो आपके साथ साझा करना चाहेंगे। पौड़ी गढ़वाल ब्रांच लगती है, रावत जी सरनेम है उनका, रावत, रहने वाले चमोली के हैं वो। जब से ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा मिली, ध्यान साधना नियम से करते थे, हमेशा सुमरन से जुड़े रहने का प्रयास करते थे, किसी से अनावश्यक बात नहीं, किसी से अनुचित व्यवहार नहीं, मन वचन और कर्मों से सदके चल रहे थे। गोरखपुर में कोई कार्यक्रम होना था, तो इनकी भी सेवा लगी वहां पर, दोनों भाइयों की, रावत जी जो हैं बड़े भाई के साथ, रावत जी भी गए, और ये जाकर कार्य संपन्न करा के आए, कथा संपन्न हुई, और वापस जब आने लगे
तो एक ट्रक के साथ इनका एक्सीडेंट हो जाता है। बड़े भैया गाड़ी चला रहे थे, ये बैठे हुए थे, एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में ऑन द स्पॉट छोटे भाई की डेथ हो गई, जो ध्यान साधना करते थे, सतत सुमरन से जुड़े रहने का अभ्यास करते थे। अब जैसे उनकी मृत्यु हुई, बड़े भाई ने देखा, जैसे तैसे उनके देह को संभाला, लाया गया, संस्कार किया गया। बाद में मन में प्रश्न उठते हैं, मनुष्य है, मानवीय स्वभाव है कि मैं तो इतनी साधना करता भी नहीं था और मेरा भाई तो बहुत साधना करता था, इसके साथ ऐसा क्यों हो गया। उन्होंने पूछा साध्वी बहनों से, साध्वी बहनों ने, प्रीतमपुरा में सर्वश्री आशुतोष महाराज जी आए हुए थे, उन्होंने महाराज श्री के समक्ष बैठ के ये सारी घटना बताई महाराज श्री को। महाराज श्री ऐसे ऐसे घटित हुआ है। महाराज जी शून्य में देखने लगे, कहते बोले महाराज जी क्षमा चाहेंगे, सभी लोग पूछ रहे हैं महाराज जी वो तो बड़ा ध्यान साधना सुमरन करते थे, उनके साथ ऐसा घटित क्यों हो गया। महाराज श्री थोड़ी देर के बाद अपने सिंहासन को थोड़ा दबाते हुए कहते हैं, अरे उसके लिए संसार बचा ही नहीं था, वो इस अवस्था पे चला गया था। ऐसे भक्तों की तो आवश्यकता ईश्वर को भी होती है, उसने उसे हमने अपने पास बुला लिया। गुरु की ये वचन जब उस साधक ने सुने तो उसे कोई स्थान नहीं मिला कि मैं कहां चला जाऊं, कि गुरु ने इतनी कृपा की, शुक्राना करना दूर, उसका धन्यवाद करना दूर, मैंने प्रश्न ही पूछ लिया उस, और उसने ये फिर बात बताई महाराज श्री का वचन, कहा कि देखो महाराज जी ने ये वचन कहे हैं, धैर्य रखना, अपना श्रद्धा बनाए रखना, और वो तो उच्च अवस्था को पार कर गए और महाराज जी के धाम में प्रवेश कर गए, गुरु के धाम में, ईश्वर के धाम में प्रवेश कर गए, हम तो अभी यही हैं संसार में। हम अपने जीवन को देखें, अपने जीवन को सवारें, संभालें। तो गुरु का बाहर से देखने में तो बोझिल हाथ लग रहा था कि कैसे हो गया ये, पर इसमें भी गुरु कृपा कि गुरु ने उसे अपना धामी दे दिया, आओ। तो गुरु का बोझिल हाथ तो सामान्य मनुष्य को दिखता है, वास्तव में वो जो करते हैं वो तो कृपा ही करते हैं। इसलिए संत समाज ने कहा राम नित कृपा करते हैं, पग पग रक्षा करते हैं और नित कृपा करते हैं। वो कोई एक बाउंडेड नहीं है, ये टाइम बाउंडेड के समय परिस्थिति या काल, हर समय कृपा हो रही। महाराज जी कहते हैं कृपा तो हर समय हो रही है, जो प्राप्त करने वाले हैं वो उसे प्राप्त कर लेते हैं। बारिश तो हमेशा होती है, अगर जो उल्टा घड़ा पड़ा है बारिश क्या करे, उसको कैसे भरे। सूर्य देव तो आकर सबको उजाला देना चाहते हैं, पर अपने कोई द्वार और खिड़की ही ना खोले तो सूर्य भगवान क्या करे। तो गुरु तो कृपा हमेशा करता है, नित करता है, पल पल करता है, पर एक ना शुक्राना व्यक्ति, एक कृतज्ञता ना व्यक्त करने वाला व्यक्ति अगर उसे धारण करे ही ना, तो उसमें गुरु का क्या दोष। वो गुरु पर आक्षेप लगाकर, प्रश्न चिन्ह लगाकर अपने भारी संस्कार और बना लेता है। तो ऐसा हम ना करें। ये सुंदर भक्ति रचना संत महापुरुषों द्वारा हम श्रवण कर रहे थे। आइए आगे संत समाज हमें क्या समझा रहे हैं श्रवण करते हैं। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिराशना जिघान सयापि हरये स्तनम दत्वापसद्गतिं दत्वापसद्गतिं। संत महापुरुष, संत समाज
ने हमारे समक्ष भागवत महापुराण की एक पंक्ति को गाया है। संत समाज हमें समझाना चाहते हैं, जनमानस के सामने एक विचार व्यक्त कर रहे हैं कि भगवान जब भी कुछ करते हैं तो उसमें कल्याण ही छिपा होता है, और वो इसके माध्यम से, श्लोक के माध्यम से हमें बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? जब भगवान श्री कृष्ण बाल लीला कर रहे थे तो उस बाल लीला में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों पर कृपा कर रहे थे, और वहीं पर जो दुराचारी थे, दुष्ट प्रवृत्ति वाले, उन पर भी भगवान कृपा कर रहे थे। कंस ने अनेकों दुराचारियों को भेजा भगवान श्री कृष्ण का अहित करने के लिए, वध करने के लिए। पूतना आती है भगवान श्री कृष्ण का वध करने के लिए। अब जैसे ही पूतना आती है तो उससे पहले पूतना ने जितने बालकों को, जितने मानवों को मृत्यु का ग्रास बनाया था तो वो उनको प्रताड़ित करती थी, उन्हें अनेकों तरह के दुख यातनाएं देती थी। पर जब भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं पूतना तो वो उन्हें विष लगा दूध पिलाकर मारना चाहते थे। जैसे ही पूतना ने भगवान श्री कृष्ण को दूध पान कराना चाहा तो एक क्षण के लिए पूतना के मन में ममता भाव प्रकट हो गया, मां का भाव प्रकट हो गया। और इतिहासकार रचनाकार बताते हैं कि पूर्व जन्मों में उसने ऐसी प्रार्थना की थी कि मैं भगवान को दूध पान कराऊं, भगवान को अपनी गोद में रखूं, और वो पूरी हुई इसकी। वो एक क्षण का भाव, मातृभाव, ममतत्व भाव आया उसके अंदर, और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी माता यशोदा जैसी गति प्रदान की, अपनी मां जैसी गति। आप सोच सकते हैं, बाहर से हमने बहुत बार ये दृष्टांत सुना और देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने वध कर दिया पूतना का। राक्षसी थी और अच्छा ही किया, उसका वध किया। पर इसके पीछे भगवान का कोमल हाथ छिपा, कोमल भावना, कल्याण की भावना छिपी है कि कैसे मैं इस जन्मों जन्मों से भटक रही आत्मा का भी कल्याण कर दूं। और भगवान ने उसे गति दी, अपने माता जैसी गति दे दी, मां जैसी गति। ये भगवान की दयालुता और करुणा होती है जो व्यक्ति के भारी कर्मों को, भारी व्यवहार को नहीं देखती, बस वो कल्याण चाहती है, कैसे भी इसका कल्याण हो जाए। तो वही भगवान श्री कृष्ण जब संसार में गुरु बनकर आते हैं तो क्या उनकी भावना करुणामय नहीं होगी अपने शिष्यों के प्रति? गुरु रूप में आज हमें महाराज श्री मिले तो उनका करुणा स्वरूप भी हम देखते हैं। हमारे जीवन में कितनी सारी ऐसी घटनाएं, तो हमें उनका कृतज्ञ भाव, उनका शुक्राना करना चाहिए और आगे इस मार्ग पे बढ़ना चाहिए। यही ये श्लोक बता रहा था। आगे संत समाज हमें क्या समझाना चाहते हैं, आइए श्रवण करते हैं। कभी धन सत्ता बरसाते, कभी दीन तते तरसाते, कभी धन सत्ता बरसाते, कभी दीन तते तरसाते, कभी सुख दे स्वर्ग समान, कभी सुख दे स्वर्ग समान, कभी दुख दुविधा देते हैं राम नित कृपा करते हैं।
आगे संत समाज हमें समझाना चाह रहे हैं। कभी धन सत्ता बरसाते वो भगवान वो राम जब हमारे जीवन में गुरु बनकर आते हैं तो कभी तो वो धन सत्ता बरसा देते हैं, क्योंकि उस समय उसमें हमारा कल्याण छिपा होता है। क्योंकि भगवान जानते हैं कि कौन किस समय किस अवस्था में किस वस्तु को संभाल सकता है, संजो सकता है। तो जब देखते हैं कि भक्त की ऐसी अवस्था हो गई है कि वो माया में लिप्त नहीं होगा तो वो धन सत्ता बरसा देते हैं उसके जीवन में। और जब देखते हैं कि ये माया में लिप्त हो गया है, ये मुझे भूल गया है, तो वो उस माया को उस धन सत्ता को ले लेते हैं। दीनता दे तरसाते, दीन भाव निमाणा भाव उसके अंदर प्रकट करने के लिए बाहरी सुख साधन संपदा को कुछ समय के लिए दूर कर देते हैं। ये भी गुरु की कृपा है। इतिहास के घटना से समझना चाहेंगे। एक बार स्वामी समर्थ अक्कलकोट महाराज, महाराष्ट्र की भूमि में जिनका प्रकटीकरण हुआ, स्वामी समर्थ अपने एक गृहस्थी अनुयायी के घर जाते हैं। अब वहां पर माता तो थे घर में, पर जो उनके पतिदेव थे वो किसी कार्य से बाहर गए हुए थे। अब माता ने देखा गुरुदेव आ गए, आसन दिया, आतिथ्य सत्कार किया। माता कहती है, गुरुदेव विराजिए, मैं आपके लिए अभी रसोई तैयार कर देती हूं। गुरुदेव विराजमान हो गए। अब माता ने देखा कि आंगन में एक वृक्ष लगा हुआ है, फली का वृक्ष। उस वृक्ष से फलियां तोड़ी माता ने और उसकी सब्जी बनाकर रोटी बनाकर भोजन अर्पित किया स्वामी समर्थ के समक्ष। कहते हैं, गुरुदेव हमारे घर में यही है, आप इसे ग्रहण करें। ऐसे श्रद्धा भाव से समर्पण भाव से जब उन्होंने अर्पित किया स्वामी समर्थ के समक्ष तो स्वामी समर्थ बड़ी प्रसन्नता से उसे ग्रहण कर रहे हैं। ग्रहण करते करते उस वृक्ष की तरफ देख रहे हैं स्वामी समर्थ। और जैसे ही वो भोजन समाप्त हो गया, हाथ धोते हैं स्वामी समर्थ और उस वृक्ष के पास जाकर उस वृक्ष को बिल्कुल तोड़ देते हैं। अब माता देखती हैं कि गुरुदेव ये क्या कर रहे हैं। इसी वृक्ष की फलियों से तो भोजन रसोई तैयार की, इसी वृक्ष को गुरुदेव ने तोड़ दिया। अब गुरु हैं तो मन में ही प्रश्न संशय उठ सकते हैं, मुख तक नहीं आए। गुरुदेव चले गए अपने आश्रम। सांझ ढले, उनके पतिदेव आए, उन्होंने देखा ये क्या। माता ने बताया, गुरुदेव आए थे, स्वामी समर्थ अक्कलकोट महाराज, उनके लिए रसोई तैयार की इसी वृक्ष की फलियों से, और बाद में भोजन ग्रहण करके स्वामी समर्थ ने इसे तोड़ दिया। वो कहते हैं, अरे ये तो हमारा सौभाग्य है, हमारे घर पर गुरु पधारे, गुरु का आना हुआ और ये वृक्ष, अच्छा किया इसे तोड़ दिया, रास्ते में ही तो था ये। जो पिछले 15 वर्ष से कभी खल नहीं रहा था रास्ते में, आज गुरु ने तोड़ा तो वो खलने लगा कि अच्छा किया रास्ते में था, तोड़ दिया इसको।
कहते लाओ खुदाल, फावड़ा लाओ। बोले अब क्या करेंगे आप? कहते जिस वृक्ष को हमारा गुरु पसंद नहीं करता उसकी जड़ भी क्यों रखे हम? लाओ खुदाल, फावड़ा लाओ। खुदाल और फावड़े से दोनों लोग उस जड़ को भी तोड़ रहे हैं। पड़ोसी देख रहे हैं कैसे लोग हैं ये, कैसे लोग हैं ये। देखो गुरु वृक्ष तोड़ गया, अफसोस करना तो दूर, ये जड़ को भी खोद रहे हैं, मूर्ख लोग हैं। जब हम ऊन झड़ चालते तब कहते मार्ग माही, जब पावे राम पथ ये तो मार्ग नाही। जब हम अनुचित दिशा में चलते हैं तो हमारे ही पास पड़ोसी कहते ये बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। जब पायो राम पथ ये तो मार्ग नाही। जब कोई गुरु की आज्ञा पूरी कर रहा होता है आसपास के लोग, असंतुष्ट लोग, ना शुक्राने करने वाले लोग हमें प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, ये क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या मिला, क्या मिल जाएगा करने से। और हम उनकी बातें सुनकर शर्माकर इस मार्ग से रास्ता बदल लेते हैं। ऐसा नहीं, एक सच्चा साधक ऐसा नहीं करता। उसे संसार की क्या परवाह, उसे तो संसार बनाने वाले गुरु की इच्छा में चलना है। उसकी परवाह होनी चाहिए कि मेरा गुरु प्रसन्न हो रहा है इस कर्म से तो मैं यही करूंगा। भगवान का भक्त संसार की चिंता नहीं करता, मेरा हंसी करेंगे या मुझे क्रिटिसाइज करेंगे या मेरे को कुछ कहेंगे, मेरा रिश्ता मेरा वास्ता मेरे गुरु से है, संसार से नहीं है। तो वो भी भक्त ऐसे ही थे, खुदाल से खोद रहे हैं, खोदते खोदते पूरी जड़, बोले बस अब तो जड़ निकल गई आधी सारी, अब नहीं उगेगा ये, मिट्टी डाल देंगे। बोले ना अच्छी तरह से जड़ से खोदेंगे इसको। खोदते रहे, तर बतर हो गई, रात हो गई, पूरी जड़ जब निकली नीचे से तो नीचे सोने के मटके रखे हैं, अशर्फियों से भरे हुए, सोने के सिक्कों से भरे हुए। कहते ये क्या, अच्छा हुआ हमारे को ये धन मिल गया। कहते नहीं नहीं ये हमारा नहीं है, ये गुरु का है, क्योंकि गुरु ने तो दिया है ये। सुबह होते ही गुरु को दिया ना कोई बात नहीं। बोले सुबह कब, अभी चल मेरे साथ। उसे उठाते हैं सोने के घड़ों को, रात को अक्कलकोट महाराज के आश्रम में ले जाके कहते हैं गुरुदेव ये आपका धन। कहते ये तेरा ही है, इसे ले जा तू, इससे अपना जीवन कार्य चला। वापिस भेज दिया। अब बाहर से तो क्या था ये, पर गुरु की कृपा कैसे हुई, धन सत्ता बरसाने का तरीका क्या अपनाया उसने। अगर हमारे साथ हुआ होता, हमारे साथ हुआ होता तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होती गुरु के प्रति, इस ज्ञान के प्रति, इस मार्ग के प्रति, आकलन करें। कभी धन सत्ता बरसाते, कभी दीनता दे तरसाते, कभी दीनता देते हैं। इसका उदाहरण इतिहास से लेते हैं। गुरु साहिबान पांचवी पातशाही गुरु अर्जुन देव महाराज, उनके शिष्य हुए हैं भाई मंज जी, तीर्थ मंज नाम था, तीर्था मंज, गोत्र मंज होने की वजह से सभी मंज मंज पुकारते थे। गुरु अर्जुन देव जी महाराज की शरण में जाने से पूर्व धन धान्य से संपन्न परिवार, पुत्री धर्मपत्नी, अच्छा परिवार, अपने नगर में अच्छा रुतबा, अपने घर में पीर खाना बनाया है, सारे नगरवासी होते हैं हर गुरुवार को पीर की पूजा करते हो, चल रहा था जीवन। श्री गुरु अर्जुन देव महाराज के किसी साधक ने, किसी प्रेमी ने, शिष्य ने संदेश दिया कि जीवन का उद्देश्य ये नहीं है, इससे आत्मकल्याण नहीं होने वाला। अगर आत्मकल्याण चाहते हो तो एक पूर्ण सद्गुरु की शरण में जाना होगा, और आज समय के पूर्ण सद्गुरु हैं श्री अर्जुन देव जी महाराज, उनकी शरण में जाओ, वो आपका कल्याण करेंगे।
जब काफी दिन सत्संग सुना तो पुण्य संस्कार विकसित हो गए। जैसे ही पुण्य विकसित हुए, बोले मुझे भी ले चल तू आज सत्संग में। गई सत्संग में, दरबार सजा हुआ था, सत्संग प्रवचन चल रहा था। गुरु साहिबान श्री गुरु अर्जुन देव महाराज अपने सिंहासन पर विराजमान थे, शोभायमान। जैसे उनकी शोभा देखी, आंखों से पानी गिरने लगा और आत्मा कहने लगी, यही मेरे गुरु हैं, यही मेरे सर्वे सर्वा हैं। आज से पहले जिन्हें कभी नहीं देखा, कहते यही मेरे सर्वे सर्वा हैं, इन्हीं की चरणों में, इन्हीं की शरण में मेरा कल्याण होगा। गुरु तक बात पहुंची, गुरु ने कहा अवश्य तुम्हें उस ब्रह्म ज्ञान से दीक्षित किया जाएगा, पर हे मंज, जब कोई धर्म के मार्ग पे, भक्ति गुरु के मार्ग पे चलता है तो उसका पूरा मन गुरु के चरणों में अर्पित होना चाहिए, अधूरा नहीं, पूरा का पूरा, तभी वो गुरु को समझ पाता है, अन्यथा गुरु से जुड़ने के बाद भी वो कुछ प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो अपना पूरा मन यहां लेकर आना, जो तूने वो सरवर पीर की मजार बनाई, अपने स्थान बनाया अपने घर पर, उसे छोड़ना होगा। जैसे ये गुरु साहिबान ने कहा, गुरुदेव जब आप मिल गए तो मुझे किस बात का भय, मैं तैयार हूं। ज्ञान से दीक्षित होते हैं, घर आते हैं, सबको, आसपास वाले लोगों को भी गुरु का संदेश देते हैं, गुरु श्री गुरु अर्जुन देव महाराज का, कि वही जानी जान है, वो सबको धर्म का मार्ग सिखा रहे हैं, आप भी उनकी शरण में जाओ। और वो पीर की पूजा बंद कर दी। अब कहते हैं कि जब व्यक्ति धर्म के मार्ग पे चलता है तो उसके जीवन में घटनाएं भी घटती हैं, क्योंकि मन के विपरीत जाने का मार्ग है और भारी कर्म संस्कार घटना के रूप में घटित होते हैं, माया प्रबल हो जाती है। तो वही हुआ उनके जीवन में, पशु मर गए, घर पर जो पशु थे उनकी मृत्यु हो गई, आंधी तूफान आया तो घर की स्थिति खराब हो गई, गांव वालों ने घर गांव से निष्कासित कर दिया, कहते हैं ये तो पीर की पूजा नहीं करता, ये सब इसका शापित हो गया, इसे घर गांव से निकाल दो, नहीं तो गांव पर भी इसका दुष्प्रभाव होगा। अब पुत्री को और धर्मपत्नी को लेकर चले जाते हैं बाहर, दूसरे गांव में रहने लगे, घास काटकर उसे बेच देते थे। अब गुरु ने संदेश भेजा, एक पत्र लिखकर भेजा कि ये पत्र देना मेरे शिष्य को, और पत्र देने से पहले उससे मूल्य लेना, 21 रुपए लेना, तब ये पत्र देना। अब गुरु साहिबान का शिष्य आया, संदेशवाहक, कि गुरु के घर से आया हूं। वो बड़ा प्रसन्न हो गया, मेरे गुरु घर से आया, कहते विराजी आसन दिया गया, बिठाया गया, कि मैं गुरु का संदेश लेकर आया हूं। बोले हाँ हाँ दीजिए। बोले इसके लिए पहले इतना गुरु ने मूल्य कहा है, ये दीजिए। अब घर पर व्यवस्था नहीं थी, अब पत्नी और बेटी भी इतने संग रहते रहते गुरु रंग में रंग चुके थे, वो भी कहते हैं पिताजी आप चिंता ना करें। धर्मपत्नी कहती है आप चिंता ना करें, और बेटी भी कहती चिंता ना करें पिताजी, हम व्यवस्था करेंगे, और गुरु का संदेश तो अवश्य पढ़ना है, गुरु ने क्या लिखकर भेजा हमारे लिए। तो कहते हैं अपनी बेटी का विवाह नगर सेठ के साथ किया, जो नगर में सेठ था उससे विवाह किया, वहां से धन आया, बेटी को वहां विदा किया, धन देकर वो पत्र खोला गया, और फिर वो कहते हैं गुरु कहते हैं इस मार्ग पर सदा चलते रहना, आशीर्वाद। थोड़ा समय फिर बीता, फिर संदेशवाहक आया, फिर वही प्रक्रिया। धर्मपत्नी की तरफ देखते हैं, अब कैसे, मुख से तो वचन नहीं लिखे, आंखों से पानी झरने लगा, क्या करें। अब पत्नी कहती है चिंता ना करें, ऐसा थोड़ी ना है कि संसार में अपने घर पे ही रह के गुरु की इबादत, गुरु की भक्ति की जाती है, दूसरे के घर पे नौकर का कार्य करते हुए भी मन तो भगवान में लगाना है, तन कहीं पर भी हो,
सेठ साहूकार के घर पर नौकर का कार्य करना शुरू कर दिया। मूल्य लिया गया, पत्र पढ़ा गया। पत्र में लिखा था, आजा मेरे पास आश्रम में। आश्रम में जाते हैं भाई मंज, वहां उनकी सेवा लगती है, लंगर के लिए भोजन, भोजन बनाना, लंगर तैयार करना, भोजन की व्यवस्था करना। लकड़ियां लाते थे, भोजन तैयार करते थे, व्यवस्थाएं संभालनी शुरू। अब गुरु ने देखा कि इतना सब कुछ हुआ इसके जीवन में, पर ये अभी भी श्रद्धावान है, अभी भी समर्पण है मेरे चरणों में इसका। बहुत प्रसन्न हो गए श्री गुरु अर्जुन देव महाराज। पर कहते हैं ना, ताऊंगा तपाऊंगा नुक्ता तारूं खाल, फिर भी नहीं डिगे तो पल में कर दूं निहाल। वो देखता है मेरा शिष्य कैसे समर्पण भाव को बनाए रखता है। इसके जीवन में ये जो संस्कार डाल रहा हूं मैं कर्मों के रूप में, इसके भारी संस्कारों को काटने के लिए, क्या ये डगमगाता तो नहीं है? कुम्हार जानता है कि कितनी थपकी लगानी है और कितना सहारा देना है। ज्यादा थपकी लगाई तो वो टूट जाएगा, और ज्यादा सहारा दिया तो पकेगा नहीं, बनेगा नहीं घड़ा। तो इसलिए गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे बार बाहे चोट। वो धीरे धीरे सहारा भी देता है और बाहर से छोटी छोटी परिस्थितियां डाल के भारी संस्कार भी काटता है। ऐसे गुरु श्री गुरु अर्जुन देव महाराज कर रहे थे उन तीनों भक्त मंज के साथ। गुरुदेव ने कहा, अपनी मोज में आए गुरुदेव, श्री गुरु अर्जुन देव महाराज कहते हैं, अच्छा मंज कैसा है तू? बोले, गुरुदेव आपकी बड़ी कृपा है। अच्छा भोजन लंगर कहां छकता है? बोले, गुरुदेव यही लंगर में भोजन छकता हूं। कहते, नहीं नहीं यहां भोजन नहीं छकना, बाहर भोजन छक के आया करो, यहां तो सेवा करता है तू। ठीक है गुरुदेव। अब लंगर घर के लिए सारी व्यवस्थाएं करता, लकड़ियां लाता, लंगर बनाता और बाहर जाके मजदूरी करता। इतिहास में दर्ज है, आप इसे पढ़ सकते हैं, ये कोई मन से बनाई गई कहानी नहीं है। भक्तों ने ऐसे जीवन को जिया है। अब आकलन भी करते रहे साथ साथ हम अपना, अगर इस परिस्थिति की रत्ती भर परिस्थिति हमारे जीवन में आती या आ जाए, क्या स्थिति होगी हमारी, कहां खड़े होंगे हम, वो हम स्वयं का आकलन करते रहे साथ साथ। हमसे बेहतर हमें कोई नहीं जानता गुरु के सिवा। आकलन करें। गुरु साहिबान ने जैसे ये कहा तो बाहर मजदूरी करके लाता धन, उससे जो मिलता उसका भोजन करता। एक दिन गुरु ने क्या कह दिया, आज तक रोया नहीं था वो, सुनना आप, आज तक आंख से पानी नहीं निकला था, आंसू नहीं निकले थे, इस वजह से कि मेरा कुटुंब, मेरी बेटी, मेरी धर्मपत्नी, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा नगर सब छूट गया। गुरु के लिए कभी नहीं रोया वो तो शुक्राना करता था, इसमें भी भला है, इसमें भी कल्याण है गुरुदेव, अगर ऐसा आपने किया है तो इसमें भी कल्याण है। पर गुरु ने एक दिन अपने मुख से एक ऐसा शब्द कह दिया जिससे वो रो पड़ा, फूट फूट के रोया। क्या कह दिया गुरु ने? कहा कि हे मंज, अगर अभी भी तू जाना चाहे वापिस तो जा सकता है अपने पीर खाने में, तुझे स्वतंत्रता है। रोने लगाओ। कहते गुरुदेव, ऐसा आपने सोचा कैसे गुरुदेव, कि आपके दर को छोड़कर मैं कहीं और चला जाऊंगा, कहीं और रास्ता मिल जाएगा। जब ऐसा भाव उनके हृदय में आया, गुरुदेव प्रसन्न हो गए। कहते हैं, नहीं मैं तो तुझसे पूछ रहा था, अगर तुझे यहां कठिनाई लग रही हो तो तू जा सकता है। कहते गुरुदेव, अब तो मेरा जीवन भी यही है और मेरा मरण भी यही है, अपने चरणों से मुझे दूर मत करना गुरुदेव। ऐसी प्रार्थना की उन्होंने। जब ऐसी प्रार्थना रखी तो गुरु प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद दिया और आगे चल गए।
अब वो ये बात सोचे जा रहा है मन में कि मेरे से कहीं कोई गलती हो गई होगी, कोई चूक रह गई होगी मेरे से सेवा में, कोई शायद मेरे से कोई अच्छा करने वाला दिखा होगा गुरु को, इसीलिए गुरु ने मुझे यह कह दिया कि तू चला जाना। गुरुदेव कहते हैं कोई बात नहीं, मैंने तो वैसे ही पूछा था, चिंता मत कर। अब गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, अब आगे चलते जाना इस मार्ग पे। वो कहते हैं हाँ ठीक है गुरुदेव मैं चलूंगा। अब वो लकड़ियां लेके आ रहा है, सर पे रख के रो रहा है, रोते रोते सोच रहा है कि गुरुदेव ने मुझे दूर जाने के लिए क्यों कह दिया। रो रहा है, ला रहा है लकड़ियां, सर पे बोझ है और मन में भी बोझ है विचारों का। दुनिया ने इतने ताने दिए तब उसे रोना नहीं आया। पर जैसे ही गुरु ने कह दिया कि जा तू शायद वापिस चला जा, लकड़ियों का भार लेकर और मन बोझिल मन से भी जैसे चलता आ रहा था, ठोकर लगी और कुएं में गिर गया लकड़ियों सहित। जाते ही कुएं में अपनी चिंता नहीं की, लकड़ियों को हाथ से ऊपर ले लिया और दीवार के साथ लगा लिया। कहते हैं ये कहीं गीली ना हो जाए फिर सांझ का लंगर कैसे बनेगा। और बहुत देर तक उन्हें लेकर एक हाथ से अपने आप को भी मुंडेर में फंसा के हाथ रखा और उसी सहारे पे रुका रहा। वहां जानी जान गुरु अर्जन देव महाराज अपने सिंहासन से अचानक खड़े होते। कहते चलो हमारा शिष्य वहां संकट में है, आते हैं और उसे बाहर निकालने का आग्रह करते हैं। आओ बाहर मंज, कहां गिर गया तू। बोले गुरुदेव मैं नहीं आऊंगा। बोले क्यों। बोले पहले इन लकड़ियों को लो आप बाहर, क्योंकि ये गीली हो गई तो भोजन कैसे बनेगा शाम का। गुरुदेव कहते हैं ये तो बाद में आ जाएंगी, तू आ जा बाहर पहले। बोले नहीं गुरुदेव पहले इन लकड़ियों को बाहर खींच लो। रस्सी बांधी गई, रस्सियों को खींचा गया, लकड़ियों को खींचा गया रस्सी से। वो ईंटों को हाथ फंसा कर रुका हुआ है, बाद में रस्सा डाला गया, रस्से के सहारे उसे बाहर खींचा गया। खींचने के बाद गुरु के चरणों को पकड़ लिया। गुरुदेव आप मुझे अपने चरणों से दूर मत करना, इस गलती के लिए मुझे क्षमा करना, ठोकर लगी थी इसलिए मैं गिर गया, पर अपने मार्ग से मत गिरने देना गुरुदेव, ऐसी दया करना ऐसी कृपा करना। बहुत प्रसन्न हुए गुरुदेव, कहते हैं चिंता मत कर, मेरा आशीर्वाद है तेरा मार्ग सफल होगा, तो अपने मार्ग के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। आशीर्वाद दिया श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने और भक्ति सफल हो गई। इतिहास की ये घटनाएं हमारे समक्ष इसलिए रखी जाती हैं कि आज हम भी उसी पथ पर हैं, हमारे कर्म हमें इस मार्ग से दूर ना कर दें, इसलिए सुनाया जाता है ये इतिहास की घटनाएं कि इसे सुनकर समझें अपने जीवन में कि हम कैसे जी रहे हैं और कैसे जीने की आवश्यकता है, तभी हमारा गुरु प्रसन्न होता है, ये मार्ग सदता है। तो संत महापुरुष बता रहे थे कभी धन सत्ता देते हैं और कभी दीनता देकर निमाणापन भरते हैं, गुरु के प्रति कृतज्ञता भाव भरते हैं हमारे अंदर, क्योंकि जन्मों जन्मों से मन की मैल लगी है तो वो भाव गुरु के प्रति निर्मल नहीं हो पाता, और जो निर्मल मन है वही गुरु के प्रिय हो पाते हैं। इसलिए गुरु शिष्य के अंदर वो भाव भरने के लिए ये कृपाएं करता है, पर उन कृपाओं को समझना दूर, कृतज्ञता व्यक्त करना दूर, शुक्राना करना दूर, हम प्रश्न चिन्ह उठा देते हैं कि ऐसा गुरु ने क्यों किया, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमें तो ज्ञान मिले इतने समय हो गया। हम ये नहीं समझ पाते कि जीवन उसका जीवन वो ले ले उसमें भी भला, वो जीवन दे दे
उसमें भी भला, और जीवन में संकट आ जाए तो उसमें भी भला है। ये ना समझ पाने का कारण वही है बस, गुरु आज्ञाओं में ना चल पाना, गुरु आज्ञाओं से विलग हो जाना। तो आशा है हम इस मार्ग पर सदा चलेंगे गुरु की आज्ञा में, और गुरु हमें अपने चरणों से सदा जोड़े रहें, ऐसी उनके चरणों में प्रार्थना करते हुए आइए। संत समाज से आग्रह करते हैं आगे वो हमें क्या समझाना चाहते हैं, आइए श्रवण करते हैं। है रूप अनेक कृपा के, कभी जय कभी हार कराते। है रूप अनेक कृपा के, कभी जय कभी हार कराते। प्रभु का निर्दोष विधान, प्रभु का निर्दोष विधान, देखो कब क्या क्या करते हैं, राम नित कृपा करते हैं। कोई समझे रे, कोई समझे भक्त सुजान, राम नित कृपा करते हैं, राम नित कृपा करते हैं, राम नित कृपा करते हैं। संत समाज हमारे समक्ष इस भक्ति रचना के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि उस राम की कृपा अनेक है, कृपा करने के माध्यम भी वो अनेक चुनता है, अनेकों तरह से कृपा करता है गुरु। जब भगवान गुरु रूप में आता है तो वो अनेकों तरह से कृपा करता है अपने शिष्य के जीवन में, पर उसे समझने के लिए वही श्रद्धा और समर्पण की आवश्यकता है। बिना श्रद्धा और समर्पण के हम उसे समझ नहीं पाते। है रूप अनेक कृपा के, कभी जय कभी हार करा दे, वो कभी जय करा दे कभी हार करा दे। तो वो उसकी इच्छा है, वो क्या करेगा, और वो उसकी इच्छा होगी तो हमारा कल्याण होगा। जब भी हमारे जीवन में हमारे मन का कुछ नहीं होता तो समझ लो वो ईश्वर के मन का हो रहा है फिर, और वो हमारे मन से कहीं श्रेष्ठ होगा, हमारी इच्छा से कहीं श्रेष्ठ होगा जो ईश्वर की इच्छा से हो रहा होगा। तो संत महापुरुष हमें बताना चाहते हैं इस भजन के माध्यम से, इस भक्ति रचना के माध्यम से, कि उस ईश्वर की रजा में राजी, तेरी रजा में मेरी रजा, निस दिन मैं तुझको ध्याया करूं, जिस हाल में रखो खुश हूं मैं, गुणगान तुम्हारा गाया करूं। हे प्रभु किसी भी हाल में रखना हम खुश हैं, उस सुख का क्या करेंगे जिस सुख में आपकी याद भूल गए हम, सुख के माथे सिल पड़े जो याद हृदय से जाए, बलिधारी व दुख के जो पल पल नाम रटाए। हे प्रभु आप मुझे दुख देना, कुंती माता से पूछा भगवान श्री कृष्ण ने, माता बुआ हम जा रहे हैं, कुछ और चाहिए तो मांग लो। तो कुंती माता पूछ कहती है, हे प्रभु दुख दे दो मुझे। कहते हैं दुख, सारा जीवन दुखी तो रहे माता आप, अभी भी दुख मांग रहे हो। कहते प्रभु जब दुख रहा तब आप हमारे साथ रहे, और जब दुख दूर हो गया तो आप जा रहे हैं, तो हमें तो प्रभु ऐसा दुख ही अच्छा है जिसमें आप रहे हमारे साथ। संत समाज एक चौपाई रखना चाहेंगे गुरु की लीला के बारे में, एक चौपाई रखना चाहेंगे हम सबके समक्ष, उनसे आग्रह करेंगे वो रखें, हम फिर उसके बाद इस पर चिंतन मनन करेंगे। मुनि श्राप जो दीना, अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना, देख
दिखाऊं भरि लोचन, हरि भव मोचन इहै लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगौ बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना, मम मन मधुप करे पाना। अहिल्या की चौपाई हमने श्रवण की। अहिल्या से पूछा कि आपको तो बहुत दुख और दारिद्र्य मिला, इतना संकट कष्ट सहना पड़ा आपको, तो वो क्या कहते हैं, मेरा परम सौभाग्य हुआ जो मुझे गौतम ऋषि ने श्राप दिया। मेरा सौभाग्य अनुग्रह है बहुत, मुझ पर बड़ी कृपा की है कि मुझे श्राप दिया है। वास्तव में ये श्राप नहीं, ये मेरा कल्याण था। इस श्राप की वजह से मैंने लोचन भर के भगवान राम को देखा है, उनके कमल पदों का स्पर्श प्राप्त किया है, इससे बड़ा सुख क्या होगा। ऐसा अहिल्या, मां अहिल्या कहती है। और कल्याण इसके पीछे क्या छिपा था, गौतम ऋषि जब भी कोई संत महापुरुष कुछ करते हैं तो उसमें कल्याण की भावना इतनी उच्च स्तर की होती है कि सामान्य व्यक्ति उसे समझ नहीं पाता। आज भी जनमानस में यह प्रचलित है बात कि अहिल्या को प्रताड़ित किया गौतम ऋषि ने श्राप देकर, ऐसा नहीं है। गौतम ऋषि जान गए थे कि जो कर्म इनसे हो गया, गलती से इनके साथ घटित हुआ जो कर्म, इस कर्म की वेदना और दुख भाव से ये जीवन नहीं जी पाएंगे, इसलिए उन्हें एकांत दिया। उस एकांत में जब वो ध्यानरत हुई तो उनके मन से मलिनता, उस कर्म का प्रभाव नष्ट हो गया। दूर हो जाता है हर गम नित्य निरंतर ध्यान से, क्यों कहा, हर दुख दुविधा संकट परेशानी ध्यान से साधना से दूर हो जाती है। वही किया, वो साधना रत हो गई थी, साधना में चली गई थी वो मां अहिल्या, और उन साधना से प्रसन्न होकर भगवान राम आए और स्पर्श दिया मां को, और मां ने दर्शन किया भगवान का। वो कहती शंकर भी कह रहे हैं अगर भक्ति का कोई फल है तो यही फल है, भगवान का दर्शन हो गया, भगवान की भक्ति सफल हो गई। तो ये श्राप तो पूजनीय हो गया, सम्माननीय हो गया, कल्याणकारी हो गया माता के लिए, मां अहिल्या के लिए। तो गुरु का हर कर्म कल्याणकारी ही हुआ करता है, पर उसे समझने के लिए श्रद्धा, समर्पण भाव, विश्वास चाहिए गुरु के प्रति। वो कहां से अर्जित होगा, वो होगा गुरु की आज्ञाओं में चलने से, सतत चलने से। महाराज श्री ने किसी को कहा सतत साधना करनी है, बोले महाराज जी सतत का अर्थ क्या होता है, सतत का अर्थ होता है बिना विराम के। बोले महाराज जी सुबह करते हैं साधना, शाम को करते हैं साधना, बीच में तो बहुत घंटे का विराम आ जाता है, तो ये सतत साधना फिर कैसे हो पाएगी। महाराज श्री ने कहा जब तुम हर क्षण मुझसे जुड़े रहते हो अंतर मन से, तो वो है सतत साधना। और एक पल के प्रमाद से मन उच्चता से निम्नता की तरफ गिर जाता है, पतन की खाइयों में जा सकता है, तो ये सतत साधना होगी सुमरन। ऐसी महाराज श्री के चरणों में प्रार्थना, प्रभु हमें भक्ति देना, शक्ति देना, हे प्रभु अपने चरणों से सदा जोड़े रखना। इन्हीं विचारों के साथ हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहेंगे। बोली सद्गुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय।